हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया, हम एलिफेंट बनाने वाले हैं, उसी के ऊपर हमारी पेंटिंग है और वो भी आपके डिमांड पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अभी में से कुछ व्यूअर्स ने मुझसे डिमांड की है कि मैं एलिफेंट के ऊपर पेंटिंग बनाऊं, तो हियर आई एम विद एन पेंटिंग ऑफ एलिफेंट। ये पेंटिंग हमारी मिनिएचर पेंटिंग में भी काउंट हो सकती है, इसको आप कंपोजिशन में भी काउंट कर सकते हैं और आप इस पेंटिंग को राजस्थानी पेंटिंग में भी बना सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो पेंटिंग्स बनी है उसमें हाथी की पेंटिंग बहुत ज़्यादा बनी है और हमने उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हमने आज की पेंटिंग को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर हम एलिफेंट बना रहे हैं, सबसे पहले उसी की स्केचिंग कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस, अगर आज की वीडियो में आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं क्लियर हो रही है देन आई एम वेरी सॉरी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि जिन व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है वो मेरी पेंटिंग का वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले थोड़ी सी भी तबीयत ठीक होते ही पेंटिंग को कम्प्लीट किया है। एलिफेंट की स्केचिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो एलिफेंट के ऊपर एक कपड़ा डलता है उसको डाल रहे हैं, जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि हम राजस्थानी पैटर्न पर और मिनिएचर पेंटिंग के पैटर्न पर अपने एलिफेंट को डेकोरेट करेंगे तो उस पर हमें ज्वेलरी ज़रूर बनानी चाहिए। तो यहाँ पर हम एलिफेंट को थोड़ा सा ज्वेलरी से डेकोरेट करेंगे। पेंटिंग का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एलिफेंट है तो बैकग्राउंड हमें हल्का ही ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने टू पार्ट्स में डिवीजन किया है और एक ट्री ड्रॉ किया है। बैकग्राउंड कंप्लीट करने के बाद हम कलर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम पोस्टर कलर्स का ही यूज करने वाले हैं। कलर्स की स्टार्टिंग हम बैकग्राउंड से करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले बैकग्राउंड में स्काई को कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए व्हाइट और ब्लू कलर का यूज करना है। तो पहले मैं पूरे स्काई एरिया में व्हाइट कलर को स्प्रेड कर रही हूँ और फिर ब्लू कलर को कहीं कहीं पर लगा के क्लाउडी बनाऊंगी। व्हाइट कलर स्प्रेड करने के बाद हमने ब्लू कलर की क्लाउड्स बनाए हैं और फिर व्हाइट और ब्लू कलर की आपस में मिक्सिंग करते हुए स्काई को क्लाउडी बना लेंगे। स्काई एरिया कंप्लीट करने के बाद हम ग्राउंड एरिया कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए हम पहले लेमन येलो कलर को पूरे ग्राउंड में फिल कर लेंगे। येलो कलर फिल करने के बाद जो मिडिल एरिया है वहां पर हम लाइट ग्रीन कलर लगाते हुए मिक्सिंग करेंगे। और ग्राउंड के सबसे नीचे वाले पार्ट पर हम पोस्टर ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का यूज करते हुए मिक्सिंग करके ग्राउंड एरिया को कंप्लीट करेंगे। ग्राउंड एरिया कंप्लीट करने के बाद हम ट्री के लिए बंट साइना कलर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं प्योर बंट साइना कलर का यूज करके ट्री पे कलर कर रही हूँ। पूरी पेंटिंग हम प्लेन कलर से ही निकालेंगे, हमने यहाँ पर ज्यादा शेडिंग वर्क का यूज नहीं किया है। एलिफेंट के लिए हमने व्हाइट कलर में ब्लैक और बहुत हल्का सा ब्लू शेड को मिक्स किया है, इससे क्या जो हमारा ग्रे कलर बन के आता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। खाली व्हाइट और ब्लैक कलर का से जब हम ग्रे कलर को बनाते हैं तो उसका शेड अलग आता है, बट यहाँ पर हमने ब्लू शेड ऐड किया है तो एलिफेंट का बेस कलर हमारा थोड़ा डिफरेंट लगेगा।
पूरे एलिफेंट में हमने ग्रे कलर को फिल कर लिया है। इसके बाद हम व्हाइट कलर से एलिफेंट का टीथ करेंगे और इतना करने के बाद हम डेकोरेशन पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो क्लोथ डाला था एलिफेंट के ऊपर, उस पर हम पहले पोस्टर रेड कलर का यूज करके पूरा फिल कर रहे हैं। ज्वेलरी पार्ट के लिए और जो गोल्डन एरिया हमें दिखाना है उसके लिए हम येलो ऑकर कलर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहले येलो ऑकर कलर से एक पतली सी स्ट्रिप दिखा रही हूँ क्लोथ की, और फिर ज्वेलरी को भी येलो ऑकर कलर से ही फिल करूंगी। ज्वेलरी कंप्लीट करने के बाद क्लोथ का जो बॉर्डर पार्ट बचा है उसके लिए मैं पोस्टर ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ, मतलब डार्क ग्रीन शेड को हमें यूज करना है बॉर्डर को कलर करने के लिए। डार्क ग्रे कलर का यूज करते हुए हमें पूरे एलिफेंट की आउटलाइनिंग करनी है। तो यहाँ जो हमने एलिफेंट के लिए ग्रे शेड बनाया था उसी में थोड़ा सा हमने ब्लैक कलर ऐड किया है और डार्क ग्रे शेड बना लिया है, जिससे हम पूरे एलिफेंट की बहुत पतली पतली आउटलाइनिंग करेंगे, जिसके लिए हम 00 नंबर के ब्रश का यूज करेंगे। इसी शेड से हम आइस को भी कम्प्लीट कर लेंगे और इसके बाद आते हैं हम अपने ज्वेलरी पार्ट पर। ज्वेलरी की आउटलाइन करने के लिए मैं बंट साइना कलर का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो येलो ऑकर में ब्लैक कलर ऐड करके भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने प्योर बंट साइना कलर से ज्वेलरी की आउटलाइनिंग की है और जो भी डिजाइनिंग हमें करनी है वो भी मैं इसी कलर से कर रही हूँ। क्योंकि हम मिनिएचर पेंटिंग का लुक देना चाहते हैं, इसीलिए हमें थोड़ी बारीक डिजाइनिंग दिखानी होगी। मिनिएचर पेंटिंग में बहुत बारीक काम होता है और राजस्थानी पेंटिंग में भी बहुत सुंदर और बारीक बारीक काम दिखाया जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ज्वेलरी को बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगे। रेड कलर से हम थोड़ा सा जो ज्वेलरी है उसमें शेड दे रहे हैं और ग्रीन कलर का यूज करके हम उसको और डेकोरेट कर रहे हैं। ज्वेलरी पार्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम व्हाइट कलर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं डॉट्स में अपने ज्वेलरी पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ और इससे हमारी ज्वेलरी बहुत ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगी। व्हाइट कलर लगाने से जो हमारा ज्वेलरी एरिया है वो और ज्यादा हाईलाइट होने लगता है। मेरी उन सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स पेंटिंग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन को अभी प्रेस कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मेरे लिए आपका एक एक सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो मेरी यूट्यूब फैमिली को और इंक्रीज करेंगे। एलिफेंट के ऊपर जो क्लोथ है उसकी आउटलाइन के लिए हमने डार्क ब्राउन कलर का यूज किया है। आप रेड कलर में ब्लैक कलर ऐड करके भी इस आउटलाइन को कर सकते हैं। ब्राउन कलर से ही हम जो रेड एरिया है उसके अंदर डिजाइन बना रहे हैं और इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो मेन हम डिजाइनिंग करेंगे वो व्हाइट कलर से करेंगे। हमारा ये वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम व्हाइट कलर का यूज करते हुए इसको और डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डॉट्स का ही यूज कर रही हूँ। मेनली मैंने डॉट का ही यूज किया है क्योंकि ये बहुत सुंदर भी लगता है और इजी भी होता है। क्लोथ के बॉर्डर पार्ट को कंप्लीट करने के लिए पहले मैं व्हाइट कलर से आउटलाइन कर रही हूँ पूरे बॉर्डर की, और उसके बाद हम थोड़ा सा डिजाइन बना के इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव करेंगे। व्हाइट कलर का यूज करने से हमारा जो ये डिजाइन है ये कितना सुंदर लग रहा है और हमारा एलिफेंट कितना अट्रैक्टिव बनकर आया है। आपको मेरा एलिफेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगी। एलिफेंट वर्क हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम थोड़ा ग्राउंड एरिया को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ डार्क ग्रीन कलर का यूज करते हुए मैं पीछे की आउटलाइनिंग कर रही हूँ और जहाँ पर एलिफेंट की लेग्स आ रही है वहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रीन शेड दिखाएंगे।
ग्रीन वर्क कंप्लीट करने के बाद हम डार्क ब्राउन कलर से ट्री की आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ हमने बर्न साइना कलर के अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड किया है। डार्क ग्रीन कलर से हम थोड़ा ग्रास बनाएंगे और उसके बाद जो ग्रे कलर हमने बनाया था आउटलाइनिंग के लिए उसी से हम एलिफेंट के नेल्स कंप्लीट करेंगे। ट्री कंप्लीट करने के लिए लीफ बनाएंगे, तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो लाइट ग्रीन कलर था उसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड किया है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट ग्रीन कलर हमें नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन में थोड़ा सा ब्राउन कलर को ऐड करके ग्रीन को थोड़ा डल शेड बना लिया। ट्री पर फ्लावर्स का लुक देने के लिए हमने क्रोम येलो कलर का यूज किया है और इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ऑरेंज कलर का, तो जहाँ येलो कलर लगाया है वहाँ सेंटर में हल्का सा ऑरेंज कलर का यूज करना है। और इसी के साथ आज की हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आज की ये पेंटिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज की मिनिएचर पेंटिंग राजस्थानी स्टाइल में आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कम ऑन गाइस, आप किसका वेट कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स नीचे ओपन है, अभी के अभी उसमें मेंशन कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगी। अगर आप वीडियो से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना क्वेश्चन अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और मैं जल्दी ही उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।